तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल चौधरी। और मेरा नाम है रणविजय। और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। तो दोस्तों, इस मंथ दो बड़ी पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक है गदर पार्ट टू और दूसरी है ओ माय गॉड टू। दोनों ही बड़ी पिक्चरें हैं, बड़ी फिल्में हैं। इसके अलावा फिल्में तो और भी आ रही हैं, बट हम आज चर्चा करने वाले हैं इन दो फिल्मों की, क्योंकि ये बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार्स की फिल्म। यस वर्सेस। तो और दोनों ही सेम डे पे रिलीज हो रही है, 11th of August, 11 अगस्त। और कौन सी फिल्म चलने वाली है, हमें क्या लगता है कौन सी फिल्म चलने वाली है, कौन सी फिल्म लोगों को पसंद आएगी, किस फिल्म में कमी रह जाएगी, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा, तो ये हमारा ओपिनियन रहेगा जो हमें लगता है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जो आपको लगता है वो आप हमारे साथ कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं ये कि कौन कौन सी फिल्में देखने जा रहा है, और हम दोनों जा रहे हैं तो कौन सी फिल्म पहले देखने जा रहे हैं। यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं मास मूवी की। आर सने पाजी, मैं तो गदर टू देखना जाना चाहता हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लगता है जिसकी टिकट हमें पहले मिल जाएगी, दोनों देखनी तो दोनों ही है। यार गदर, गदर, गदर की टिकट नहीं मिल रही है यार। ओ माय गॉड की तो मिल जाएगी, लेकिन गदर की टिकट नहीं मिल रही है। मैंने अभी आज ही चेक किया है मैंने, तो भाई साहब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो हमें तो 3 टिकटें लेनी है, लेकिन ये है कि फट से बुक कर लेंगे तो हो जाएगा काम। अगर फ्राइडे तक रुक गए ना हम, कि फ्राइडे को बुक कराएंगे, तो फिर तो फ्राइडे रात को हम जा रहे हैं गदर, और सैटरडे सुबह हम जा रहे हैं ओ माय गॉड टू। सुबह सुबह दर्शन होंगे हमें भगवान जी के, महादेव के दर्शन होंगे हमारे सुबह सुबह। ये मतलब डिसाइडेड नहीं था ऐसा कुछ, बट अब ये रणविजय ने एक्चुअली पॉइंट पकड़ा है कि सुबह सुबह दर्शन होंगे महादेव के। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधा, तो बात करते हैं कि इस फिल्म में कितना दम लग रहा है। यार दम एक्चुअली दोनों पिक्चर के अंदर है। आपको शायद याद होगा जब लगान के साथ गदर रिलीज हुई थी, तो किसी को पता नहीं था एक्चुअली कि पिक्चर क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली है। और आपको याद हो तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो दोनों पिक्चर टैक्स फ्री हो गई थी। नहीं मुझे ये याद नहीं, टैक्स फ्री हो गई थी, ये याद है कि दोनों फिल्में बहुत चली थी, दोनों फिल्में ही अच्छी थी, दोनों पिक्चर अच्छी थी, जिसमें कि लगान तो ऑस्कर तक भी गई थी, जहां तक मेरे को याद है। लगान में दो ट्रेलर थे, मतलब दो इंटरवल थे बेसिकली, मुझे याद। मतलब लगान जो थी वो बहुत लंबी पिक्चर थी, तो उसके अंदर जो जो उसके इंटरवल थे वो दो थे एक्चुअली, क्योंकि वो लंबी पिक्चर थी, दो इंटरवल इसलिए दिए थे उन्होंने उसके अंदर। खैर हम लोग बात हमारे मुद्दे भटक जाते हैं कई बार, हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं गदर पार्ट टू की और ओएमजी पार्ट टू की। तो हम लोग हम बता चुके हैं आपको कि हम लोग पहले गदर देखने वाले हैं शाम को, इवनिंग में फ्राइडे को, और सुबह देखेंगे हम लोग ओ माई गॉड। तो आप जब से गदर का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ओ माय गॉड का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो वो भी उसकी कंट्रोवर्सी, सेंसर बोर्ड के पास जो फंस गई थी मूवी, उसकी वजह से थोड़ा सा वो चर्चा में रही फिल्म। गदर टू चर्चा में रही इस वजह से कि जो उसका ट्रेलर, कुछ लोगों को मिक्स रिव्यूज ट्रेलर को लेके आए थे, कुछ लोगों को जो है ट्रेलर नहीं पसंद आया और कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोग अपना गदर वन का ही वो लेके चल रहे थे। पता चक्कर क्या होता है समटाइम कि अब जैसे ओएमजी है, उसमें बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने 27 कट लगा दिए हैं, और उसके अंदर जो महादेव का जो रोल होने वाला था उन्होंने वो भी कट करके उसको चेंज कर दिया है, और ये बोल दिया है कि जो अब अक्षय कुमार है जो अब महादेव 27 तरह के कट है, उसमें कट तो और भी ज्यादा होंगे। हाँ उसमें और भी ज्यादा कट होंगे उसके अंदर, हमें जो हमारे सामने जो आ रहा है, जो बताया जा रहा है ऑन पेपर जो है वो 27 कट है एक्चुअली। बट स्टिल दोनों अगर मैं ट्रेलर को कंपेयर करूँ तो मुझे अभी भी जो ओ माय गॉड 2 का जो ट्रेलर है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि उसमें अभी भी गदर 2 का जो ट्रेलर हमने देखा है उससे हमें स्टोरी का अंदाजा हो गया है कि फिर से जो तारा सिंह है वो पाकिस्तान जाने वाला है, और वहां जाके फिर से सबकी पाकिस्तान की सबकी खाट खड़ी होने वाली है, और वापस अपने बेटे को लेके वापस आ जाएगा, यहाँ मूवी खत्म हो जाएगी। मतलब देखना है कि मूवी एग्जीक्यूट कैसे हो। दोस्तों स्टोरी सेम ही है जो 2001 में रिलीज हुई थी पिक्चर, बस इसमें जेंडर चेंज हो गया है, उसमें फीमेल थी इसमें मेल है। तारा सिंह बुढ़ापे में भी यही कर रहे हैं कि मेरे घर वालों को कोई काम नहीं है, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बार बार मुझे लाना पड़ता है इनको। यार हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि वो लड़का मान नहीं रहा था कि पापा मैं भी जाऊंगा, तो उसको लेके गए थे, लेके गए थे, लेकिन ना लेकिन वो दोबारा चला गया भाई साहब, मान नहीं रहा लौंडा, हक बनता है भाई, नानी हाउस था, नानी हाउस था उसका। सो और लेकिन अभी जो ओ माय गॉड 2 में जो ट्रेलर अभी तक जो देखा है, अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेलर में उसको देख के अभी भी ये है कि क्यूरियोसिटी है कि क्या मुद्दा होने वाला है, जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो किस तरीके से जो प्रेजेंट करने वाले मेकर्स, क्या उनके दोनों के बीच में जो
क्या नाम है उसका, यामी गौतम, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी के बीच में किस तरह की तर्क वितर्क होने वाले हैं? तर्क वितर्क दोस्तों, जैसे हम लोग पहले पार्ट में भी देख चुके हैं और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि जो फर्स्ट पार्ट के अंदर कोर्टरूम ड्रामा था वो परेश रावल ने बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया था और उसमें जुमले इतने अच्छे तरीके से मारे गए थे कि आप डायलॉग्स अच्छे थे, कॉमेडी बहुत अच्छी थी, आपको मजा आ रहा था एक्चुअली उसको देख के कि यार कोर्टरूम ड्रामा तो चल रहा है लेकिन जो जो बातें बोली जा रही है वो हमने कभी सुनी नहीं थी और जिस मुद्दे पे वो चीज चली गई थी वो एक अलग ही लेवल था। टॉपिक भी उस वक्त जो था बहुत फ्रेश टॉपिक था। एग्जैक्टली, और मूवी रिलीज होने के बाद, हिट होने के बाद जो भी उस पे जो भी लोगों ने को पसंद नहीं आए, जो भी उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई इस मूवी, वो बात की बात है, बट उसी की वजह से भी कुछ, और इसका भी है कि अभी कुछ दिन पहले आदि पुरुष जैसे निकली है और सेंसर बोर्ड को जिस तरह से फटकार लगे तो सेंसर बोर्ड ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ओमेगा 2 पे यार ये गलत बात है। तो जब कि देखो समटाइम क्या होता है, ये मेरा मानना है, मैं मानता हूँ, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गदर जो गदर है वो मास मूवी है, लोगों को सनी देओल से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा इस मूवी के अंदर है, बट ओ माय गॉड जो कॉन्सेप्ट है वो एक आज का जो माहौल इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, मतलब जो हमारी सोसाइटी के अंदर, और मुझे 100% पता है जो सेक्स जो एक मुद्दा है बेसिकली जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो हमारी सोसाइटी के अंदर लोग ना इस इन चीजों को थोड़ा अजीब तरीके से लेते हैं और आई थिंक बात करने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जोक वगैरह में चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको किसी टॉपिक पे जाके बात करोगे तो कुछ लोग बात कर लेते हैं और आई थिंक कुछ लोग जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बात करते हुए। डिपेंड करता है लोग किस तरह के हैं, किस तरह की उनकी परवरिश हुई है, वो किस तरह के माहौल में कंफर्टेबल है, क्या फिल्में देखने में कंफर्टेबल है, क्या फिल्में वो देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। एनीवेज, खैर अगर हम अपनी अपनी राय रखें तो मुझे लगता है कि जो गदर 2 है उसके जो फर्स्ट डे कलेक्शन होगा फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी वो अच्छा जाएगा, वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा दोनों मूवीज में, क्योंकि दोनों जो है बड़े स्टार्स की मूवी है और दोनों ही बड़ी मूवीज है, दोनों बड़ी। बट गदर 1 की जो सक्सेस है उसको अगर वो लोगों के दिमाग में होगा, लोग उसको दिमाग में रख के देखना चाहेंगे, तो गदर 2 अगर देखने जाएंगे तो फर्स्ट डे कलेक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा हाई होगा ओ माय गॉड 2 से, बट ओ माय गॉड 2 मुझे लग रहा है कि जो कि देखने में ट्रेलर देखने में कि बेटर मूवी होगी, तो वो बाद में जो है गदर 2 को पीछे छोड़ सकती है, बिकॉज उसके लिए गदर 2 का भी अच्छा होना जरूरी है, बहुत जरूरी। एग्जैक्टली, होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों हम तो देखो हम होप ही करते हैं कि सब पिक्चर अच्छी बने और सब अच्छी चले, क्योंकि गदर 1 जो थी वो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो बहुत बड़ी पिक्चर बाद में बन गई एक्चुअली, कि जैसे उसकी स्टोरी थी और डायलॉग वगैरह सब इमोशन, तो डायलॉग यार खैर इसमें भी अच्छे हैं, 2-3 डायलॉग जो इसमें डाले हैं इसके अंदर। और अनिल शर्मा जो है डायलॉग अच्छा नहीं था, चिथड़े करम इतने चिथड़े करम इतने चिथड़े, अच्छा वो बच्चा है ना एक्चुअली, बच्चा तो फिर कुछ ही बोल सकता है, तो बच्चा बोलता है जो पापा ने बोला बोलने के लिए, मतलब एक ही लाइन बच्चा ना चिथड़े करे, दूसरा ये ना कि अभी क्या क्या नाम है अनिल शर्मा का डायरेक्शन जो है उस तरह का मुझे लग नहीं रहा कि जब गदर के टाइम पे जो थाना लेवल वो लग नहीं रहा है कि अनिल शर्मा ने कुछ अपडेट किया अपने डायरेक्शन में। तो यार हाँ मेरे को ये भी लगता है कि जैसे जो डायरेक्टर हैं आजकल के उनको थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, जैसे कि अब यार इतनी महंगाई हो गई है ठीक है ना, तो मतलब मैं देखता हुआ रहा हूँ कि हम लोग आज हर बार सुनने को मिलता है जब भी कोई पॉलिटिशियन बोल रहा होता है कि भैया महंगाई कम करेंगे, कम मैंने कभी कभी कम नहीं देखी है, तो कहने का मतलब ये कि जैसे चीजें महंगी होती हैं वैसे चीजें और भी ज्यादा बढ़ती हैं, डायरेक्शन भी चेंज होता है ठीक है ना, एक्टर्स भी चेंज होते हैं, हीरोइंस भी चेंज होती हैं, और आपके कैमरेज वगैरह भी जो आजकल आप देख रहे हो कि IMAX वगैरह बना रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं ठीक है ना, एक्शन चेंज हो गया आजकल लोगों को देखने का, अब हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा एक्शन दिखाया जाए जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टॉम क्रूज हैं आप उनके एक्शन मूवीज देखोगे वो हालांकि अपने आप ही करते हैं अपने स्टंट वगैरह, और उनके एक्शन में जाओगे तो बहुत अल्टीमेट जा रहा होता है उनका एक्शन, तो मेरे हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए उनको अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा, अब जैसे कि पुराना उनका जो फिल्म है कुछ गई है उसका रिकॉर्ड सही नहीं निकला है। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा चेंज करना चाहिए उनको। तो हम लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूवीज आपको क्या लगता है कि यार कौन सी चलेगी और कौन सी? वही है कि शुरू में जो फर्स्ट 2 डेज होंगे वो शायद गदर के थोड़े से ज्यादा कलेक्शन ज्यादा हो सकते हैं ओ माय गॉड से, बट ओ माय गॉड मुझे बेटर मूवी लग रही है, तो लॉन्ग रन में कॉन्सेप्ट ट्रेलर देख के अभी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों के ट्रेलर से देखे हैं, तो ट्रेलर मुझे ऑब्वियसली ओ माय गॉड 2 का ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, इसमें क्यूरियोसिटी है, नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को देखना है कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे उस चीज को, हैंडल करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली। जी फोन आ गया दोस्तों। तो बाकी और गदर 2 के ट्रेलर देख के इतना जो है
वैसी क्यूरियोसिटी नहीं है, बस ये देखना है कि एक्शन जो दिखाएंगे वो किस तरह का दिखाएंगे, डायलॉग बाजी जिसको देखनी हो देंगे, स्टोरी हम सबको ऑलरेडी पता ही, तो उसको देखने की जो क्या कहूँ उसको जो अर्ज है वो इतना ज्यादा है नहीं। एग्जैक्टली तो दोस्तों ये हमारा मानना है कि इस मूवी को हम लोगों ने किस तरीके से लेके चला और कौन सी मूवी कैसे जाने वाली है ये तो हमें फ्राइडे सैटरडे संडे में पता लग जाएगा। बट स्टिल हम सबसे पहले फिर भी गदर 2 देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है हम ओमेगा 2 देखने जा रहे हैं, और आप लोग कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं पहले वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।